देखिए हमारे हाथ में ये एक जीपीडी पिनियन है जिसे हम गियर प्राइमर ड्राइव बोलते हैं। ये पिनियन लगाने वाले हैं इस बाइक में। ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 है और ये बाइक टोटल अभी तक 15,357 किलोमीटर चल चुकी है और इसका जीपीडी पिनियन अब आवाज़ कर रहा है। काफ़ी दिनों से आवाज़ कर रही, तकरीबन 12,000 भी किलोमीटर चली थी और उसी समय से जो है जीपीडी की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही हमें सुनने में लग रहा था। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि जीपीडी कि साउंड है या नहीं, अगर हम इसे बदलते हैं तो पहले से कितना साउंड में फ़र्क आता है, कितना बदलता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको जीपीडी की साउंड सुनाता हूँ, उसके बाद ये कैसे बदलना है, इसका क्या प्राइस है आपको बता दे रहा है। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं होता, ये 290 रुपये का ही होता है और ये हीरो का जैनुइन है, ये हीरो का जैनुइन है और ये 290 रुपये तक का ही ये मात्रा आता है। तो चलिए बाइक को हम चला कर देखेंगे और आपको इंजन की आवाज़ सुनाएंगे, जीपीडी की जो साउंड है वो कैसा होता है वो आप लोगों को सुनाते हैं। तो देखिए हमारे पास ये दो माइक है, एक माइक को हम उस साइड में रखते हैं क्योंकि जीपीडी जो पिनियन होता है वो क्लच साइड में ही होता है। तो साउंड है या नहीं है तो बाइक को पहले ऐसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद क्लच दबा के आपको गियर लगाना है। गियर लगाते ही देखिए इंजन की जो साउंड है वो बदल जाती है, ये देखिए। अब मैं न्यूट्रल करता हूँ, ये देखिए अभी ये न्यूट्रल है, इंजन की जो साउंड है बिल्कुल अच्छी है और जैसे मैं गियर लगाऊंगा तो इंजन की जो साउंड है वो गाइस हूँ हूँ जैसा करने लगता है, हन हन जैसा करने लगता है, ये देखिए। अब मैं आगे अगर भगाऊंगा तो और भी ज़्यादा साउंड बढ़ जाएगी, देखिए। तो कुछ इस तरीके से जब मैं गाड़ी को आगे की ओर भगाता हूँ गियर में तो हूँ हूँ जैसा जो है साउंड करता है। देखिए किस तरीके से हूँ हूँ जैसा आवाज आता है, तो अगर इसी साउंड को खत्म करना है तो क्लच का साइड खोलेंगे, क्लच प्लेट खोलेंगे तभी हम जीपीडी पैनल को बदल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसके साथ ही हमारे कासिम ऑटो फेसबुक पेज को लाइक करना, फॉलो करना और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ताकि रील्स वीडियो देखकर आप लोग, छोटी छोटी वीडियो देखकर आप लोग कुछ भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका जीपीडी को चेंज करना है, जीपीडी चेंज करने के लिए क्लच प्लेट का सारा पार्ट हमने खोल दिया, तो ये वाशर वगैरह भी हमें खोल लेना है। और यहाँ पे हमने ये जीपीडी खोला और ये न्यू वाला हमें लगा देना है। चलिए ये न्यू वाला है और इसे ही हम लगाते हैं। देखिए हमने इसे चेंज कर दिया, पुराना वाला है गाइस, इसमें दाग आ गया है। चलिए अब वापस इसको सभी चीजें फिट करते हैं सारे पार्ट को और फिर स्टार्ट करके आपको इंजन की आवाज फिर से सुनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जीपीडी पैनल को लगा दिया देख सकते हैं और अब मैं आपको इंजन की वो साउंड सुनाता हूँ जो पहले साउंड आ रही थी। जीपीडी की जो साउंड है वो खत्म हुई है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए पहली बार ही हमने गियर डाला तो हमें पता चल गया
जीपीडी की जो साउंड है वो ख़त्म हो चुकी है। ये बहुत ही नॉर्मल हो गया। जीपीडी जो साउंड है गाइस पहले से बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया और अब बहुत ही कम हो गया, उतना ज़्यादा भी ख़त्म नहीं हुआ जितना कि कंपनी मतलब जितना कि PS3 PS4 में हम लोग देखते थे, उतना भी ज़्यादा ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से किसी भी बाइक का अगर हन जैसा हाँ जैसा आवाज़ करता है, हूँ जैसा आवाज़ करता है कलर साइड से, तो आप इस जीपीडी पिनियन को बदल कर जो है वो साउंड को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।